रिकॉर्डिंग हो गई। ओके, तो हम लोग बात क्या किए, कुछ इम्पोर्टेंट टर्म जो हम लोग यूज कर रहे थे, सीरीज आरएलसी सर्किट में, पैरेलल आरएलसी सर्किट में, जो भी एसी सर्किट में था, वो इम्पोर्टेंट टर्म था रिएक्टेंस एक्स। ओके, जिसको एक्स से डिनोट किया, रिएक्टेंस दैट इज इक्विवेलेंट टू रेसिस्टेंस, यानी कि रेसिस्टेंस का इक्विवेलेंट होगा, यानी कि इसका यूनिट क्या होगा, ओम में होगा। ओके, चाहे वो इंडक्टिव सर्किट हो, चाहे वो आपका कैपेसिटिव सर्किट हो। अगर इंडक्टिव सर्किट हुआ, ओके, तो इसको हम लोग कहेंगे इंडक्टिव रिएक्टेंस। ओके, यानी कि एक्सएल, जिसका वैल्यू जो है ओमेगा एल, यानी कि 2πfL। अगर इंडक्टिव सर्किट हुआ तो देन इट इज कॉल्ड इंडक्टिव रिएक्टेंस। अगर कैपेसिटिव सर्किट हुआ देन इट इज कॉल्ड कैपेसिटिव रिएक्टेंस। एक्स इक्वल टू 1ωC इक्वल टू 1/2πfC। गॉट इट। अब रिएक्टेंस हम लोग क्या लिखेंगे, एक्स इक्वल टू एक्सएल माइनस एक्सी, नेट वैल्यू। गॉट इट, दैट इज द रिएक्टेंस। ओके, इसको आप लिख सकते हैं इस टर्म में ओमेगा एल माइनस 1/ωC। तो यहाँ पे एक्स हो चाहे एक्सएल हो, हाँ सेम यूनिट, रेसिस्टेंस रिएक्टेंस इम्पिटेंस, वेरी गुड। ओके, एक्स हो एक्सएल हो एक्सी हो, ओके, सारे को हम लोग मेजर जो करते हैं सेम यूनिट है, डेट इज द ओम। अब अगर हम लोग इम्पिटेंस जेड बात करें, इम्पिटेंस डेट इज जेड, ओके, देन ये भी हमारा जो है इक्विवेलेंट टू रेसिस्टेंस है इन द सीरीज आरएलसी सर्किट, जहां पे इस जेड का वैल्यू जो है आर प्लस जे एक्स, यानी कि आर प्लस जे एक्सएल माइनस एक्सी। ओके, आई थिंक नो प्रॉब्लम, जस्ट टेल मी। अगर हम लोग नेक्स्ट सबसेप्टेंस के बारे में बात करते, कंक्लूजन दे रहा हूं आपको और कुछ नहीं। ओके, सबसेप्टेंस, देन सबसेप्टेंस जो है इसको हम लोग कहते हैं जे इज भाट, जे इज पैरामीटर और नथिंग बट फेजर पैरामीटर, मैंने तो बताया हूँ भाई। ओके, अगर कोई भी फेजर क्वांटिटीज को आप जे से मल्टीप्लाई कर देंगे, ओके, तो वो क्या होगा, 90 डिग्री से रोटेट कर जाएगा, यही ना। और अगर माइनस जे से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी 90 डिग्री से रोटेट कर जाएगा, लेकिन जे से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो एंटी क्लॉक वाइज रोटेट करेगा, और माइनस जे से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्लॉक वाइज रोटेट करेगा। ओके, नाउ सबसेप्टेंस, सबसेप्टेंस क्या है, दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ रिएक्टेंस। ओके, रिएक्टेंस, ओके, इसका यूनिट ओम, सारे का यूनिट ओम, और सबसेप्टेंस का यूनिट मोहो। ओके, दैट इज लाइक द कंडक्टेंस, यानी कि इट बिहेव्स लाइक द कंडक्टेंस इन द गिवन सर्किट, जो भी आपका सर्किट हो, ओके, वो कंडक्टेंस की तरह बिहेव करेगा। ओके, तो ये अगर इंडक्टिव सर्किट हुआ, इसको इंडक्टिव सबसेप्टेंस लिखे 1/XL, XL आप जान रहे हैं, तो XL इक्वल टू ओमेगा एल 1/ωL। अगर कैपेसिटिव सर्किट हुआ तो BC 1/XC, इसको जान रहे हैं XC इक्वल टू 1ωC देन ωC। ओके, तो नेट सबसेप्टेंस जो होगा B इक्वल टू BC माइनस DL मॉड। Got it. Yes, sir. अब इसी तरह से जो है अगर हम लोग एडमिटेंस का बात करें, देन एडमिटेंस दैट इज द रेसिप्रोकल ऑफ इम्पिडेंस, पाई इक्वल टू 1/Z। ओके, लेकिन अगर हम लोग पैरेलल सर्किट में लिखते हैं, देन वाई इक्वल टू जी माइनस जे बी, या जी सॉरी जी प्लस जे बी, तो जी प्लस जे बी सी माइनस बी एल। ओके, दैट इज एडमिटेंस। ओके, नाउ यहाँ पे याद रखेंगे एक चीज, जब भी आप सर्किट सॉल्व करेंगे देन फॉर द कन्वेनियंस टू, मतलब कन्वेनियंस सुविधा के लिए, अगर आप सीरीज आरएलसी सर्किट सॉल्व कर रहे हैं तो हमेशा जो है सीरीज में ओमिक वैल्यू को कंसीडर कीजिए।
ओमिक, यानी कि ओम में जिसका यूनिट हो, लाइक कौन कौन है, आर है, एक्स है, एक्सेल है, एक्सी है, ओके जेड है, तो ये सबको कंसीडर करेंगे तो प्रॉब्लम्स आपका इजी वे में बनेगा, टाइम कंज्यूमिंग कम होगा, ओके तो उस तरह से हम लोग इसको कंसीडर कर सकते हैं। और वही अगर प्रॉब्लम्स बनाना आपको पैरेलल आरएलसी सर्किट का, तो आप महो वैल्यू को कंसीडर कीजिए, ओके महो यानी कि पर ओम, तो पर ओम को किसका किसका यूनिट है, कंडक्टेंस जी, बी एल, बी सी, बी वाई, है ना, ओके यानी कि एडमिटेंस, सक्सेप्टेंस और कंडक्टेंस, अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे देन आई थिंक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ओके आई थिंक इट्स ओके, नो प्रॉब्लम रिगार्डिंग दिस।